हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार, आपका होस्ट इंटेलेक्ट डाइजेस्ट हिंदी पे। और आज हम आपके लिए लाए हैं वीवो का S1 Pro। S1 Pro अभी लॉन्च हुआ है लगभग 20,000 रुपए की कीमत पे, और हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या आपको ये फोन खरीदना चाहिए, इसके फीचर्स क्या हैं, आपको 20,000 रुपए की कीमत में क्या क्या मिलता है, क्या ये अच्छा वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं अगर इसके फीचर्स की बात करूं तो ये एक आता है 6.38 इंच के सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ। आप देख सकते हैं इसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है दिखने में, और ये 20,000 रुपए के फोन्स के हिसाब से काफी अच्छी क्वालिटी आपको देता है। इसके अलावा डिजाइन आप देखेंगे तो डिजाइन में भी ये काफी प्रीमियम दिखता है। इसमें पीछे की तरफ क्वाड कैमरा यानी चार कैमरा सेटअप दिया गया है, और आगे की तरफ 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। रियर कैमरा जो इसका प्राइमरी सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का है। इसमें बाकी तीन और सेंसर है, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। कैमरा भी मैं थोड़ी देर में आता हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट अनलॉक स्कैनर जो दिया गया है, ये दो फीचर्स हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो अंडर द डिस्प्ले है, और फेस अनलॉक अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो अभी इसका स्क्रीन ऑन है, जैसे ही मैंने इसकी तरफ देखा ये अनलॉक हो जाता है। तो लेट्स ट्राई डू दिस। आप देख रहे हैं कि फास्ट चलता है, मेरे को काफी अच्छा लगा, फास्ट है। इसके अलावा डिस्प्ले अच्छा है, डिजाइन अच्छा है। कैमरा की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है इसका, वो बाय डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल की फोटो सेव करता है। आप 48 मेगापिक्सल मोड ऑन कर सकते हैं इसकी सेटिंग्स में जाकर। इसके कैमरा में आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं, और इसका जो प्रो मोड है वो आता है काफ़ी सारे कंट्रोल्स के साथ। तो इसमें अगर आप जाएंगे यहाँ पे प्रो मोड में, तो आपको प्रो मोड में मिल जाता है शटर स्पीड का कंट्रोल। इसके अलावा साथ ही साथ में जो फोकस का कंट्रोल है, वाइट बैलेंस, आईएसओ, सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं प्रो मोड में। और इसमें पोर्ट्रेट मोड भी आता है जो कि डेप्थ सेंसर को यूज करता है। इससे हमने कई पिक्चर्स ली और कई शॉट्स लिए, वो मैं आपकी स्क्रीन पर डाल देता हूँ, आप देख सकते हैं इसके शॉट्स किस तरह के आते हैं। इसका जो वाइड कैमरा है काफी वाइड है, लेकिन उसकी डिटेलिंग थोड़ी कम है। इसका जो प्राइमरी सेंसर है 48 मेगापिक्सल का, वो भी ठीक ठाक वाइड है, और नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा है। 48 मेगापिक्सल में भी आप फोटोज ले सकते हैं। फ्रंट कैमरा जो है वो भी पोर्ट्रेट सपोर्ट करता है, तो अगर आप चाहें तो फ्रंट कैमरा से भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं, बट वो सॉफ्टवेयर लेवल पे पोर्ट्रेट्स लेता है। इसमें AI मोड है, तो उसमें बेसिकली आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हो, सीन को ऑप्टिमाइज करके उस तरह से फोटोज लेता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो 8 GB की रैम दी गई है, 128 GB की जो इसमें इंटरनल स्टोरेज है, स्नैपड्रैगन 665 ऑक्टा कोर चिपसेट दिया गया है, जो गेमिंग के लिए ठीक ठाक है। तो अगर आप गेमर है, कैजुअल गेमर है, तो आप इससे डिसअपॉइंट नहीं होंगे। साथ में बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी है, और 18 W ड्यूअल फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ आता है, और फास्ट चार्जर बॉक्स में दिया गया है। ईयरफोन्स दिए गए हैं और बैक केस भी दिया गया है, तो उस मामले में देखा जाए तो एक्सेसरीज इसमें ठीक ठाक बंडल की गई है। ड्यूअल सिम हाइब्रिड ट्रे के साथ आता है, इसमें डेडिकेटेड SD कार्ड ट्रे नहीं है, ड्यूअल सिम हाइब्रिड ट्रे है, तो आप थोड़ा सोच लीजिएगा इस बारे में। 128 GB जनरली काफी रहता है, आपको शायद SD कार्ड की एक्सपेंशन की जरूरत ना पड़े, तो वो ज्यादा एक डील ब्रेकर नहीं होगा। एक अच्छी चीज मुझे लगी इसमें 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है, हटाया नहीं गया है, तो आप इसमें चाहें तो अपने स्टैंडर्ड हेडफोन्स 3.5 वाले आराम से यूज कर सकते हैं। दिखने में ठीक ठाक है, फिंगरप्रिंट अच्छे से काम करता है, फेस अनलॉक अच्छे से काम करता है, कैमरास ठीक से काम कर रहे हैं, डिजाइन अच्छा है, और 20,000 रुपए की कीमत में मेरे ख्याल से काफी अच्छी वैल्यू भी आपको दे रहा है। बट कंपटीशन है, और फोन्स हैं जो इसी कीमत में, ऐसे थोड़ी कम कीमत में, बहुत ही टक्कर के फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रेडमी का नोट 8 प्रो हो गया, और रियलमी के भी कुछ फोन्स हैं, और आपको कॉम्पिटिशन इस फोन का आसानी से मिल जाएगा। बट क्या आप इसको चुनेंगे, इट कम्स डाउन टू कि आपके लिए कैमरास कितने इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ जिसमें ये सबसे अच्छा परफॉर्म करता है वो है इसके कैमरास, और बाकी फोन्स को जो कंपटीशन देता है वो एक्चुअली इसके कैमरास ही देते हैं। मेरे को लगता है वीवो के कैमरास और उनका जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग है इमेज की, वो काफ़ी अच्छी है कॉम्पिटिटर से। तो आप गेमर हैं तो प्रॉबेबली आप इस फोन को नहीं चुनेंगे, शायद आपको नहीं खरीदना चाहिए। बट अगर आप फोटोज खींचते हैं, तो अगर इसको 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा भी देके आपको लेना पड़ रहा है, तो इसको दूसरे ब्रांड्स के कंपैरिजन में सिमिलर प्राइस रेंज में, मेरे को लगता है आप इसकी कैमरा परफॉर्मेंस से ज़्यादा खुश होंगे। तो अगर कैमरास के लिए चुनना है तो वीवो S1 Pro आप बिल्कुल ले सकते हैं। डिज़ाइन, स्टाइल, फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, हर मामले में आपको अच्छी वैल्यू देता है। इसके बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, जहाँ से जाके आप इसको बेस्ट ऑफर्स और फीचर्स के साथ खरीद सकते हैं, और आपको कार्ड ऑफर्स, EMI ऑफर्स सब वो नीचे दिए गए लिंक पे मिल जाएंगे। आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।
आपको क्या पसंद आया नहीं आया वीवो S1 प्रो में, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियोस पसंद आ रहे हो तो थम्स अप दबाएं, लाइक कीजिए, बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन दोनों जरूर दबाएं, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस इसी तरह देखते रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।